स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राघवन स्वामी आपकी बीएससी पार्ट फर्स्ट की फिजिकल केमिस्ट्री क्लास ले रहा हूं। यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स और आज का जो टॉपिक है जिसको अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ए रिएक्शन। कहने का मतलब क्या हुआ? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। आप गत वर्षों के प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो आप ये पाएंगे ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसको ढंग से समझे भी और याद भी कर ले। तो कौन कौन से कारक है जो कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकते हैं या करते हैं? सबसे पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अपन क्या करते हैं, पहले सारे पॉइंट लिख लेते हैं, फिर एक एक करके उसको विस्तार से समझाते चले जाएंगे। सेकंड है सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तीसरा टॉपिक होगा, तीसरा पॉइंट होगा जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेगा वो है टेम्परेचर, ताप। चौथा पॉइंट है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकता है या करता है वो है उत्प्रेरक, कैटलिस्ट या इनहिबिटर्स, हिंदी में कहेंगे संबंधक। पांचवा है जो कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकता है कारक, वो है पीएच ऑफ द मीडियम, माध्यम की पीएच। छठा कारक है जो कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकता है वो हो सकता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इसी प्रकार सातवां फैक्टर जो कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकता है वो है रेडिएशन इफेक्ट। इसी प्रकार आठवां पॉइंट हो सकता है सरफेस एरिया। ये एक कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। अब अपन एक एक को समझ लेते हैं। पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। क्या होगा इसमें? नेचर ऑफ रिएक्टेंट में अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में कुछ बंध टूटते हैं और कुछ नए बंध बनते हैं, तभी तो अभिक्रिया होगी। पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे, नए बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, तो हम कहते हैं अभिक्रिया में कुछ बंध टूटते हैं तथा कुछ नए बंध बनते हैं। इसलिए अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रकृति पर, नेचर पे बहुत अधिक, अभिकारक की प्रकृति पर बहुत अधिक डिपेंड करता है। यदि अभिक्रिया अभिकारक मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक फ्री रेडिकल नेचर के हो तो अभिक्रिया बहुत तीव्रता से होगी, यदि फ्री रेडिकल उसमें फॉर्म हो। इसका उदाहरण मैंने पुराने लेक्चर्स में दिया था, एसिडिक एसिडिक के मोनोफोर सोल्यूशन, यदि एसिडिक के मोनोफोर सोल्यूशन का गुलाबी रंग फेरस सल्फेट वाले बीकर में यदि हम डालते हैं तो ये तुरंत रंगीन हो जाता है, जबकि ऑक्सैलिक अम्ल वाले बीकर में जब के मोनोफोर सोल्यूशन हम डालते हैं एसिडिक के मोनोफोर तो उसको रंगीन होने में समय लगता है। तो क्या मतलब हुआ? फेरस सल्फेट वाले बीकर में फ्री रेडिकल बन रहे थे, इसलिए अभिक्रिया वहां पे तीव्रता से होती है और तुरंत प्रभाव से उसका रंग डिसअपियर हो जाता है, गुलाबी रंग। अब सेकंड फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पे बहुत अधिक निर्भर करता है, क्योंकि अभिक्रिया जो है अभिकारकों के बीच होने वाली टकरों की संख्या पे निर्भर करती है। जितना अधिक अभिक्रिया का अभिकारक की सांद्रता होगी उतना ही अधिक अभिक्रिया का वेग होगा। उदाहरण के लिए
एच टू प्लस आई टू से क्या बनता है हमारा, एच टू प्लस आई टू से क्या बनेगा हमारा, ट्वाइस एच आई। यदि इसके अंदर हम इसकी एच टू प्लस आई टू की सांद्रता को बढ़ा देते हैं तो हमें एच आई की सांद्रता भी, कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाएगी। अब आते हैं अपन फैक्टर थर्ड, टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। ताप का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। यदि किसी अभिक्रिया का वेग का ताप 10 डिग्री तक बढ़ जाए तो अभिक्रिया का जो रिजल्ट है, जो अभिक्रिया का जो ताप यदि 10 डिग्री तक बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग लगभग दुगना या तिगना हो जाता है। यह भी हमने पहले गत क्लासों में पढ़ा था, एक बीकर में जिसमें हमने ऑक्सैलिक अम्ल लिया रूम टेम्परेचर पे, जब उसमें हमने K1O4 विलयन डाला तो उसको रंगीन होने में तकरीबन 8 से 10-15 मिनट का समय लगता है। अब यदि हमने दूसरा बीकर लिया जिसमें ऑक्सैलिक अम्ल का टेम्परेचर यदि हम 60 डिग्री तक कर देते हैं तो उसमें जैसे ही हम K1O4 विलयन डालते हैं तो डालते ही रंगीन हो जाता है, तुरंत प्रभाव से कलरलेस हो जाता है। तो ये इसका एक टेम्परेचर इफेक्ट हुआ। अब आता है चौथा पॉइंट, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। ये उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं यदि जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में मिला दिया जाए तो वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, जनरली इंक्रीज करते हैं, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको लोअर करना और अधिक वेग से उसका अभिक्रिया का होना। तो ये कैटलिस्ट का इफेक्ट होता है। जैसे हम इसका उदाहरण है, ट्वाइस KCl O3 वाली अभिक्रिया में यदि हम चुटकी भर MnO2 डाल देते हैं तो हमें ट्वाइस KCl प्लस 3O2 अधिक मात्रा में, बिना MnO2 के तो ये अभिक्रिया संभव हो रही होती है लगभग 640 डिग्री पे, और जैसे हम चुटकी भर MnO2, चुटकी भर तो कितना कम क्वांटिटी हुई, चुटकी भर MnO2 जब हम इसमें डाल देते हैं, यहाँ पे एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो ये अभिक्रिया लगभग संभव हो जाती है 330 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यानी चुटकी भर MnO2 डाल देने से ही अभिक्रिया का वेग नीचे हो जाता है और KCl और ऑक्सीजन बनने की मात्रा भी बढ़ जाती है। यहाँ पे उत्प्रेरक का कार्य होता है, MnO2 करता है। इसी प्रकार संबंधक, संबंधक क्या होते हैं, संबंधक वे पदार्थ होते हैं जिन्हें यदि अभिक्रिया मिश्रण में मिला दिया जाए तो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं, क्यों, क्रियाशील कारिकाओं से क्रिया करके अभिक्रिया के वेग को वो कम कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एल्कामाइड प्रेजेंट हो तो परऑक्सीजन डाइसल्फेट वाली अभिक्रिया में सल्फेट आयन के रेडिकल पदार्थ से रिएक्ट करके उसके वेग को कम कर देते हैं। या दूसरा उदाहरण है, डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड में इज रिटार्डेड बाय द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। H2O2 का डीकम्पोजिशन H2SO4 में कम हो जाता है। यह इफेक्ट हो गया आपका कैटलिस्ट और इनहिबिटर से। पीएच ऑफ द मीडियम, अभिक्रिया का वेग माध्यम की पीएच पे बहुत अधिक निर्भर करता है। कैसे करता है, जो अभिक्रिया जलीय माध्यम में होती है, जलीय माध्यम में होती है वो माध्यम की पीएच पे निर्भर करती है। जैसे धातु आयन की ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग साधारणतः हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये हो गया पीएच ऑफ द मीडियम। अब आता है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, आपका छठा पॉइंट है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। इसको समझने के लिए क्या है, अभिक्रिया का जो वेग है साधारणतः माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्योंकि माध्यम अभिक्रिया करने वाली स्पीशीज की सक्रियता को प्रभावित करते हैं। अब माध्यम के गुण कौन से हो सकते हैं, माध्यम के गुण हो सकते हैं आयनिक स्ट्रेंथ, आयनिक साक्षण या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अभिक्रिया का वेग इन दोनों पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण के लिए परऑक्साइड सल्फेट आयोडाइड वाली अभिक्रिया में माध्यम की आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। रेडिएशन इफेक्ट, कुछ एक ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो अंधकार में बहुत धीमी गति से चलती है, और यदि उस रिएक्शन को सनलाइट में HNU में, अल्ट्रावायलेट रेज में HNU में रखा जाए, चालू रखा जाए, उस स्टडी किया जाए तो अभिक्रिया अधिक वेग से होने लगती है। जैसे कि
CO2 प्लस H2O प्लस HNO, ये क्या बनाएगा, ये आपके बना के देगा CH2O प्लस O2, CH2 प्लस O2, ये आपको बना के देगा CH2 प्लस O2। बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट समझ जाएंगे। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस, यदि किसी प्लांट को आप कमरे में ले जाके रख देते हैं, अंधकार में रख देते हैं, तो उसमें अभिक्रिया नहीं होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। और उस पेड़ को जब अपन धूप में ले जाके रख देते हैं तो हम ये पाते हैं कि वो अभिक्रिया होने लगती है। तो ये आ गया रेडिएशन इफेक्ट आ गया। इसी प्रकार एक और इफेक्ट है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। जितना अधिक सरफेस एरिया होगा अभिक्रिया का, उतना ही अधिक अभिक्रिया का वेग भी होगा। उदाहरण के लिए एक लकड़ी का गट्ठर है और एक लकड़ी का मोटा तना है, यदि हम उसको बारूद बना लेते हैं, उसको छील के उसका गट्ठर इकट्ठा कर लेते हैं, लकड़ी को छील के लकड़ी का गट्ठर बना देते हैं, तो हम पाते हैं कि लकड़ी के तने को जलाने में ज्यादा समय लगेगा, और जो उसका बुरादा है उसको छील के जो उसका मैंने लकड़ी के गट्ठर का बुरादा बनाया उसको जलाने में कम समय लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ गया है। तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं इम्पोर्टेंट जो कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। और एक चीज इम्पोर्टेंट बात है, जो भी मैंने अभी आपको समझाया, ये 7-8 पॉइंट जो भी मैंने आपको बताया एक्सप्लेन करा, उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने देखी होगी कि इसको प्रत्येक को एग्जाम्पल के साथ समझाया। परीक्षा में भी जब आप इसका उत्तर लिखते हैं एक एक पॉइंट का, उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना बहुत आवश्यक है। बच्चे जनरली यहीं पे गलती करते हैं, वो इसके आगे दो दो एक ही लाइन तो लिख देते हैं परंतु एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम पड़ता है। मैंने आपको सबके एग्जाम्पल के साथ समझाया सारे पॉइंट्स, आपको कैटलिस्ट क्या होते हैं, टेम्परेचर का क्या प्रभाव है, कॉन्सेंट्रेशन का क्या प्रभाव है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट का क्या प्रभाव है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट का क्या प्रभाव है, रेडिएशन इफेक्ट का क्या प्रभाव है, सरफेस एरिया का क्या प्रभाव है। तो सारे जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको बताए विद एग्जाम्पल बताए, तो परीक्षा में भी यदि आप लिखते हैं तो विद एग्जाम्पल अवश्य लिखे। तो ये आपका था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन।